इसका जो मेरा मतलब जो पहले वाला वीडियो था हेविन मतलब गोडाउन के, उसके बाद में जो मेन फंक्शन था वो था मैं जो बाइक का शॉकर था, बाइक मतलब ये वाला नहीं, ये तो नया वाला, ये तो पुराना वाला, ये वाला है इसका जो शॉकर था अभी पीछे वाला वो चेंज करना था मुझे। अभी ये नया वाला लग चुका है, नए वाले में ये जो देख सकते हैं ये जो यहाँ पे एक ऑयल सील या कुछ है, मतलब यहाँ पे एक रबड़ जैसा कुछ दिया हुआ है इन्होंने, तो पहले वाले शॉक्स में नहीं था। अभी BS4 बाइक्स में आ रहे हैं, तो BS3 है, ये BS4 का जो शॉक्स है नया शॉक्स है, नया शॉक्स में ये सील जैसे आ रहे हैं, तो ये वाला नया वाला है दोनों। तो मेरा जो प्रॉब्लम था वो था कि इस बाइक में जब मैं विथ पिलियन राइड कर रहा था तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मतलब यहाँ टायर से ये इस पॉइंट का जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना हो चुका था, और जब पिलियन बैठता था वो एकदम लग जाता था। तो ये था इसका प्रॉब्लम। तो उसके बाद तो ऑप्शन नहीं था, सिर्फ शॉकर का ये वाला शॉकर जो था ये थोड़ा बैठ गया था, मतलब शॉकर का जो काम होता है ना ऐसे शॉक में आकर फिर रिवाउंड मतलब रिवर्स बैक करना, तो ये नहीं होता था इसमें, ये बैठ गया था तो चेंज करना पड़ा। इसका अगर आप चेंज करना होगा तो आपको एक साथ दो करना पड़ेगा, एक चेंज करने से नहीं होगा। यहाँ पे पेंट भी जा चुका है, यहाँ पे लाइन पर जो है व्हाइट कलर का। तो ये जो फोर जो होता है ना स्पेस रबर कुछ होता है ये रबर का जो गैसकेट, ये चेंज हुआ है, ये फट गया, पहला वाला फट गया था, मैंने चेंज कर लिया। बॉल ऐसा चेंज हुआ है, नया वाला है, ये नया बॉल ऐसा है, ये सब चेंज हुआ है। तो अभी आपको इसका कॉस्टिंग और जो बिल हुआ है वह दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देखें मतलब जो मेरा एक शॉकर चेंज हुआ है उसका तो मैंने आपको सामने गाड़ी में दिखा दिया का प्रॉब्लम था। तो ये रहा शॉकर का जो पैकिंग होता है, ये रहा तो इसमें पार्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, मतलब सब कुछ मतलब जो जो डिस्क्रिप्शन है, पार्ट नंबर, कस्टमर कोड, शॉकर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये MRP ये सिंगल पीस का है शॉकर का 1150, दोनों का 2300। अगर आपको जेन्युइन स्पेयर चेक करना है तो ये टाइप करके इसमें से भेज दीजिए, तो आपको जेन्युइन है कि डुप्लीकेट है उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो मैंने दोनों में यही किया, दोनों ही ओरिजिनल है। तो ये रहा जो डिफेक्टिव शॉकर था मेरा, यही है। तो इसका जो खासियत मतलब इसका जो प्रॉब्लम था ये था कि अगर ये राइट साइड वगैरह में राइट साइड का ही मतलब ख़राब हो गया था, इसका प्रॉब्लम ये था कि जो जब मैं पिलियन लेता था तो ये स्ट्रेट होता था तो ऐसा बेंड हो जाता था, मतलब इसका जो ये रॉड है ये बेंड हो जाता था वेट की वजह से, और इसका यहाँ से भी थोड़ा ऑयल भी लीक हो रहा था, तो टाइम हो भी गया था चेंज करने का। तो ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। अगर आप एक साइड का चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रैक्टिकल थ्योरी है ये है कि ये तो घिसा मतलब ये तो यूज्ड है, इसका तो वो क्या कहते हैं आपका, ये तो ये यूज हो चुका है, मतलब ये यूज्ड है, ये नया है, इसका जो प्ले है ये डिफरेंट है, मतलब अगर ये ख़राब है इसका तो प्ले डिफरेंट है और नया वाला का प्ले डिफरेंट है, तो उसमें फ़र्क आएगा और बैलेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ये मेरा मानना है, मतलब श्योर नहीं हूँ कि यही होगा। तो अगर जो होगा किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो ये रहा दोनों शॉकर, और यहाँ पे ये है बॉल वेजर जो चेंज हुआ है मेरा, ये हमें हाथ नहीं लगा था, गंदा हो जाएगा, पूरा डस्टेड है। ये रहा जो स्पेसर होता है जो रबर्स का जो गैसकेट टाइप होता है, ये है जो हैंडल के जो हेडलाइट को जो असेंबली पकड़ता है उसके जो रबर होता है वही है, ये कट गया था इसलिए मैंने चेंज कर दिए, 8 रुपये का पीस है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ चेंज करने में, ये कि महंगा है या कुछ। ये रहा बॉल रेसर,
ये पूरा का पूरा रस्टेड है। ये लास्ट ईयर जून में चेंज हुआ था, मतलब एक बॉल रेसर का लाइफ टाइम होता है एक साल। तो ये क्या बॉल रेसर, अभी आते हैं बिलिंग में। तो बिलिंग में यहाँ पे शॉक एब्जर्बर रेट दिया हुआ है सिंगल का, दोनों का 2300 रुपये। एयरबस पीसर जो है 8 रुपये का पीस, 4 लगे हैं 39 रुपये। बॉल रेसर का एक टोटल प्राइस 647 रुपीज़ टैक्स सब इंक्लूड करके। और जो असल है वो है कि लेबर, तो इनका थ्योरी में मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। लेबर डिस्क्रिप्शन प्लेटिंग का मतलब मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि अगर यहाँ पे कंपनी लिखते हैं कि फिटिंग या इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो कस्टमर के समझने में आसानी होता है। और क्वांटिटी लेबर मतलब लेबर को यही है 250 रुपये कम्प्लीट। टोटल खर्चा है मेरा 3257 रुपये सब कुछ मिला के, लेबर पार्ट सब कुछ, शॉकर का, बॉल रेसर का और सब कुछ मिला के 3257 रुपये। तो आज का वीडियो इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मतलब मैं अगर मुझे मतलब कोई वीडियो में कुछ जो मैंने बोला उसमें कोई गलतियाँ मिली आपको तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बोला तो डिसलाइक कीजिए, फील फ्री टू डू एनीथिंग। और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है राइट में दबा दीजिए। और बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।